हिंदू राष्ट्र कहाँ पे है भाई? क्या ढूंढ रहे हैं? हिंदू राष्ट्र ढूंढ रहा हूँ भाई, कहाँ पे? हिंदू राष्ट्र ढूंढ रहा हूँ भाई। हिंदू राष्ट्र योगी जी कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र है। तो भाई वही तो मैं ढूंढ रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र कहाँ पे? जहाँ भारत हिंदू राष्ट्र है। तो भैया मैं कहीं विदेश में? भाई ये कौन सा देश है जहाँ मैं खड़ा हूँ? भारत है। भारत है, भारत के मैं दिल्ली में खड़ा हूँ, हिंदू राष्ट्र किधर है ये तो बताओ मुझे। ड्रामे मत कीजिए, ड्रामा मत कीजिए, मुझे हिंदू राष्ट्र दिखाइए। चलिए हिंदू राष्ट्र दिखाइए, हिंदू राष्ट्र कहाँ है? हिंदू राष्ट्र कहाँ है दिखाइए, किसने बोला है? अरे मंदिर उद्घाटन हो रहा है, मंदिर हो गया, मंदिर उद्घाटन हो गया 1 जनवरी 2024। अरे वो चुनाव की राजनीति के लिए कर रहे हैं कि मंदिर पे मुद्दा करेंगे, मंदिर खुलवा दिया, आज क्यों नहीं खुलवा रहे? हिम्मत है अगर तो विकास पे चुनाव लड़ो ना। शान से जी रहा है किसके कार्यकाल में? भैया जब से हिंदू आया है, जब से इस्लाम आया है, जब से सिख धर्म आया है, ईसाई धर्म है, सब सुख से ही जी रहे हैं। लेकिन जब से वर्तमान सरकार आई है ना, तब से ना हिंदू सुख से जी रहे हैं, ना मुसलमान सुख से जी रहे हैं, ना सिख सुख से जी रहे हैं, ना ईसाई जी रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ दो दो उद्योगपति इनके सुख से जी रहे हैं, इसकी वजह से तुम सांस ले पा रहे हो। अच्छा भैया मेरा जन्म 2003 में हुआ है, ठीक, और मोदी जी कब आए? 2014 में आए। तो मैं इसका मतलब 2014 से पहले सांस नहीं लेता था, अगर मैं 2014 से पहले सांस नहीं लेता था तो मैं जिंदा कैसे हूँ? अच्छा चमत्कारी बाबा पे क्या कहेंगे, आप तो कुछ कहते भी नहीं। जब मोदी जी ने चमत्कार किया तब आप पत्रकार बंधु हो, आपने कितनी बार बोला कि मोदी जी ने चमत्कार, मोदी जी ने चमत्कार किया ना, ताली और थाली से कोरोना भगा दिया, ताली और थाली से कोरोना भगाया नहीं भगाया? बागेश्वर धाम गए हैं कि नहीं गए? मैं नहीं गया हूँ। आपके पिता का, दादा का, सबका नाम बता देते हैं वो। कौन बताएगा? मैं जाऊंगा, मुझे भाई साहब मैं जाऊंगा, यही देखने जाऊंगा मैं, और फिर देखता हूँ मेरे खानदान के बारे में कितना कौन बताता है मुझे। तो भाई कितनी वीडियो मौजूद है वो बताते हैं बाबा। मैं क्या शास्त्री, एक चीज बताइए, हम आपको जानते हैं कि आपका नाम दानी संजार है, ठीक, मैं तो आपके बता दूंगा आपका घर उस जगह है, आपका फोन नंबर ये है, आप इस समय इस लड़की से बात करते थे, कुछ समय बाद उस लड़की से बात करने। करता हूं अच्छा लड़की से। अच्छा मैं आपकी सच्चाई बता रहा हूँ, तब तो वहीं पे बिलबिलाने लगे। अच्छा आप भी बाबा हो गए? बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप कौन से बाबा हैं? कौन सी बाबा? अनुराग बाबा कह सकते हो आप? अनुराग बाबा है बिल्कुल। देखिए धीरेन्द्र शास्त्री के चेले मालूम पड़ रहे हैं। नहीं चेला नहीं हूँ भाई, मैं किसी उस बाबा का चेला नहीं हूँ जो महिलाओं का सम्मान न करता हो, देश के नागरिकों का सम्मान न करता हो, प्रशासन का सम्मान न करता हो, देश की मीडिया को सम्मान न करता हो, स्टेज पे खड़ा होकर संबोधित करता है कि बीच से ही नंगा कर दिया जाएगा। काहे नंगा कर दोगे भैया, काहे नंगा कर दोगे? संविधान ने कह दिया। किसने कह दिया आपको? नहीं पता है किसने कहा था नाम नंगा लेने में डरते हैं? धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था, मैं तो कह रहा हूँ धीरेन्द्र शास्त्री। आप जैसे कि पोल खोल देंगे, पोल खोल देंगे? कौन सी पोल खोल देंगे? पोल अगर खोलनी है तो मोदी जी की खोलो, पोल अगर खोलनी है तो अडानी जी की खोलो, पोल अगर खोलनी है तो योगी आदित्यनाथ जी की खोलो, पोल अगर खोलनी है तो अमित शाह जी की खोलो। अरे हमारी क्या पोल खोलोगे, हम तो वैसे ही खुली किताब है, हम तो खुली किताब है। आप जितना मेरे बारे में जानते हो उतना मैं भी जानता हूँ अपने बारे में। तो आप धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थक नहीं है, समझ में आ गया? नहीं नहीं, मैं आप मुस्लिम राष्ट्र के समर्थक हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, जजवा हिंद चाहिए, मैं संविधान समर्थन में हूँ, संविधान राष्ट्र इस देश को बनना चाहिए, और इस देश को संविधान राष्ट्र। पानी पीजिए, पानी पीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई सच्चाई बोलने के लिए ना बाबा ने कुछ डाल दिया होगा अंदर, वहां से कुछ मंत्र डाल दिया होगा, लोग कहते हैं चमत्कारी है, मैं नहीं मानता भाई। अगर उनके अंदर वाकई में चमत्कार है, सुनिए सुनिए, अगर वो चमत्कारी है तो बता दें कि पुलवामा अटैक किसने करवाया था, अगर वो चमत्कारी है तो 2000 दंगा किसने करवाया था वो बता दें। अगर वो चमत्कारी है मैं जाऊंगा उस दिन, पूछूंगा उस दिन सारी बातें पूछूंगा। अगर वो इतने बड़े चमत्कारी हैं तो वो बता दें कि राजीव गांधी की हत्या करवाने में साजिश किसकी थी। अगर वो बाबा के चरणों में जाएं, आपकी तरह गिड़गिड़ाएं, जैसे वो तिवारी पत्रकार गिड़गिड़ा रहा था, जाहिद भाई आप भी जाओगे ना तो आप भी ऐसे गिड़गिड़ाओगे। कांग्रेस के नेता भी जा रहे हैं बाबा के चरणों। मैं क्या कह रहा हूँ कि भैया मैं किसी को बाध्य नहीं कर सकता हूँ, मैं किसी को बाध्य नहीं कर रहा हूँ। आप भी जाके चरणों में गिर जाइए, मैं नहीं जा रहा। अनुराग किसको मानते हैं, किसी को? मैं संविधान को मानता हूँ, जो संविधान को मानता है मैं उस धर्मी है।